बाई यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट सो दैट, ये डिटर्मिनेंट गिवन है और हमें ये प्रूव करना है, तो प्रॉपर्टीज यूज करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप आप ध्यान से देखेंगे सभी, यहाँ पे हमारा 2AB है, 2AB, और यहाँ पे A। अगर हम इसको 20 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करते हैं, मतलब C1 की जगह C1 - BC3, अगर ये करते हैं तो यहाँ पे 0 आएगा। देखते हैं क्या होता है, फिर अगला ऑपरेशन लगाएंगे। वन प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी थ्री, तो ये आएगा +2B² 2AB - 2AB, और 2B - B टाइम्स ऑफ दिस, तो -B +A² B +B³। ये ऑपरेशन ऐसे होते हैं जो हमें पहली बारी में समझ में आते नहीं है, तो हमें याद रखने होते हैं। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे याद रखना है। यहाँ पे देखिए 2AB है, यहाँ पे B, अगर मैं इसमें C2 की जगह C2 - C2 + A × दिस कर दूं, तो क्या मिलेगा हमें, देखेंगे सभी ध्यान से। (2AB - 2AB) इधर 1 - A² + B² + 2A² यहाँ पे -2A और +A × दिस, तो (A - A³ - AB² और थर्ड कॉलम को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये जो इसमें स्टेप है आपको समझ में आ गया होगा सभी को, मेन स्टेप यही है, इसके बाद क्वेश्चन में कुछ खास बचेगा नहीं, बड़ा आराम से हो जाएगा। अब आप देखोगे सभी ध्यान से कि ये 2B² - B² ये कितना आ गया, 1 + A² + B² यहाँ पे 0 आ गया। 2B - B, 2B - B करेंगे तो B, और फिर B कॉमन ले लेंगे, तो अंदर आएगा 1 + A² + B² एंड यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना आएगा, 1 + A² + B² यहाँ पे -2A + A, -2A + A, माइनस ए, फिर हम माइनस कॉमन ले लेंगे, -A, तो अंदर बचेगा ये। अब आप देख रहे हो कि जो हमें प्रूव करना है, जो हमें प्रूव करना है वो दोनों कॉलम में आ चुका है, फर्स्ट कॉलम में भी और सेकंड में भी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग 1 + A² + B² कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2, ठीक है, तो ये कॉमन ले लेते हैं। तो क्योंकि 2 टाइम्स हमने कॉमन लिया है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो देखते हैं यहाँ पे क्या बचेगा, 1 0 B, यहाँ पे 0 1 - A एंड दिस, ठीक है। तो ये हमने 2 बार कॉमन लिया था, इसलिए 1 + A² + B² का स्क्वायर आ गया। और आप देखोगे यहाँ पे हमें क्या लाना है, क्यूब लाना है, तो अभी हमें 1 बार और चाहिए ये। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे अलोंग R1, तो 1, और ये ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 - A² - B² + 2A², फिर नेक्स्ट यहाँ पे 0,
फिर है माइनस टू बी, तो यहाँ पे आएगा जीरो माइनस बी। इसको हम कर लेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा, ये 2a² माइनस ये प्लस a² और ये प्लस 2b², ये हो जाएगा 1 + a² प्लस b², तो आ जाएगा 1 + a² प्लस b² का होल क्यूब। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा सभी को ये वाला क्वेश्चन।